नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव्स की। डायरेक्टिव्स एक्चुअली में एक क्लास होती है, एक टाइप स्क्रिप्ट क्लास होती है, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जो कि क्या इंप्लीमेंट करना है लॉजिक्स वो हम लोग बताते हैं। तो ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव, और इसमें आप लोगों के पास तीन चीज़ें आती हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव में। सेलेक्टर आता है, टेम्पलेट यूआरएल आता है, और स्टाइल यूआरएल आता है। तो सेलेक्टर क्या होता है, जो आप लोगों का मेन टैग जिसको आप लोग बनाना चाहते हैं वो सेलेक्टर होता है, और टेम्पलेट यूआरएल वो होता है जैसे कि आप लोगों का जिसमें आप लोग एचटीएमएल का कंटेंट आप लोग लिखते हैं। और नेक्स्ट होता है स्टाइल यूआरएल के लिए, तो वो आप लोगों को पता है। तो ये कंपोनेंट है एक्चुअली में, इसको भी एक ये भी एक प्रकार का डायरेक्टिव है, लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में कस्टम डायरेक्टिव बनाएंगे जिसको एट्रीब्यूट जो डायरेक्टिव होता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का, इसको हम लोग डायरेक्टिव भी बोलते हैं। और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई अगर हम लोग ओपन करना चाहें तो दूसरा जो डायरेक्टिव है एक्चुअली में, पहला तो हो गया कंपोनेंट डायरेक्टिव जो आप लोगों ने अभी देखा, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है जिसके आगे स्टार लगा होता है, हम लोग लगाते ही हैं आप लोगों को पता है लॉजिक्स चेंज करने के लिए, या मैनिपुलेट करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट करने के लिए, एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए स्टार लगा देते हैं। NG4 हो गया, NGF हो गया, NG switch हो गया, ये सारे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स होते हैं। तो आप लोगों ने ये भी यूज़ में लिया है, क्योंकि हम लोगों ने वीडियोस जो हैं बहुत सारे कर लिए हैं NG4 के ऊपर, NGF के ऊपर, और वैलिडेशंस के ऊपर भी हम लोग को कर लिए हैं। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने स्टार NG, NG4 बहुत लगाए हैं। इस वीडियो में आज मैं अभी जो बताऊंगा वो है हमारा एट्रीब्यूट जो है डायरेक्टिव, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो होता है वो यूज़ किया जाता है लुक और बिहेवियर, डॉम के लुक और बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो उसको उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक नया डायरेक्टिव और एक कस्टम डायरेक्टिव है NG। सबसे पहले हम लोग मैन जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल है उसमें टेस्ट वाला जो है वो उसमें आते हैं सबसे पहले, तो उसको हम लोग सर्व कर लेते हैं ताकि रन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक आउटपुट सबसे पहले दिखाया जा सके, और उसके बेस पर हम लोग जो हैं एक नया जो है डायरेक्टिव आज हम लोग इसमें बताएंगे। और डायरेक्टिव का मतलब क्या है, लुक एंड बिहेवियर, यानी कि मैनिपुलेट करना, एक स्टाइल लगाना एक चीज़ के अंदर। तो वो डायरेक्टिव भी हमारे बहुत सारे काम आते हैं, और ऐसे चीज़ों को हम लोगों को सीखना भी चाहिए। देखिए, तो डायरेक्टिव एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या लगा दिया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं और जो है स्टार्ट करते हैं। चलो रन कर लिया, दोबारा से रन करके देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने ID नेम एंड जेंडर है, मिस्टर तरुण, मिस अंजलि, हार्दिक वगैरह वगैरह। हम लोग चाहते हैं कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डायरेक्टिव बनाते हैं NGG डायरेक्टिव। डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, वो आप लोग देख सकते हैं, या टर्मिनल विंडो के थ्रू भी आप लोग बना सकते हैं। तो NGG डायरेक्टिव चेंज, चेंज जो है वो डायरेक्टिव का नाम है। ओप्स, ऐसा कोई कमांड नहीं है। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले मैन फोल्डर में आना होगा, यानी कि टेस्ट में आना होगा, CD टेस्ट, और अब वो कमांड दोबारा से हम लोगों को लगाने चाहिए NGG डायरेक्टिव और डायरेक्टिव का नाम। अगर हम लोग डायरेक्टिव को एक पाथ के अंदर डालते हैं तो हम लोग स्लैश लगा के उसका नाम हम लोगों को लिखना चाहिए, मतलब फोल्डर और फिर स्लैश और फिर डायरेक्टिव का नाम। ठीक है, डायरेक्टिव के अंदर बेसिकली दो फाइलें ही बनती हैं, एक तो टाइप स्क्रिप्ट फाइल बनती है और एक specs.ts फाइल बनती है। और इसका जो जो भी जो लिंक होता है वो हमारी module.ts फाइल के अंदर अपडेट हो चुका होता है, तो अपडेट के नाम से भी आप लोगों के पास बन चुकी है। और एक क्रिएट के नाम से दो फाइलें बनी हैं, एक तो बनी है change.directive.specs.ts और दूसरी है change.directive.ts। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर अगर हम लोगों को स्टाइलिंग करनी है तो हम लोगों को एक इम्पोर्ट के अंदर एक क्लास और फिर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरी जो क्लास है वो उसका नाम है एलिमेंट रेफरेंस, ELEMENTREF, एलिमेंट रेफ, रेफ के नाम से एलिमेंट रेफ। अब इसका हम लोगों को एक प्राइवेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उस प्राइवेट वेरिएबल की हेल्प से हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं इसका, एलिमेंट रेफ के नाम से ही इसका एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं, ELTREF, एलिमेंट रेफरेंस। ठीक है, आसान है। और ये किस टाइप का होगा आप लोगों का, एलिमेंट रेफरेंस, तो टाइप हम लोग कोलन के बाद में देते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट को सीखना भी बहुत ज़्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, सिमिलर अदर लैंग्वेजेस की तरह ही है। तो हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते हैं, this.elementReference.nativeElement। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब आप लोग डॉट लगाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट रेफरेंस आ जाए, नेटिव एलिमेंट आ जाएगा।
डॉट स्टाइल करते हैं। डॉट स्टाइल के बाद में आप लोग कोई भी स्टाइल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप लोग डाल सकते हैं। जैसे कि कलर मैंने डाल दिया, तो मैं कलर जो है वो रेड करना चाहता हूँ। अब ये जो आप लोगों के पास सेलेक्टर है डायरेक्टिव, देखिए एट द रेट डायरेक्टिव आता है आप लोगों के पास। एट्रीब्यूट राउटिंग में आप लोगों के पास क्या आता है, एट द रेट डायरेक्टर, सॉरी डेकोरेटर। आप लोगों के पास क्या डायरेक्टिव, एट द रेट डायरेक्टिव जो है वो एक प्रकार का डेकोरेटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो सेलेक्टर हम लोगों ने पिक किया है यहाँ से, हम लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं हमारे नाम के आगे। जो अभी हम लोगों ने आप लोगों को लिस्ट दिखाई थी उसके आगे हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे TD के अंदर मैंने एज ए वो एक प्रॉपर्टी जो है, एक एट्रीब्यूट जो है ऐप चेंजेस के नाम से डाल दिया है, तो ऑटोमेटिकली इसका कलर जो है वो चेंज कर देगा। अब हम लोग उसमें ग्रीन कलर करना चाहते हैं तो आप लोग ग्रीन कलर कर लीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट राउटिंग या डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की इंस्ट्रक्शन सेट्स को बताता है और साथ ही क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में बताता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायरेक्टिव्स क्या हैं और कैसे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने चाहिए, और एट द रेट डायरेक्टिव डेकोरेटर जो है वो कैसे हम लोगों को बनाना है नया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों को हर वो कोर्स भी फ्री देगा, और सब भी कुछ इसी चैनल पर आप लोगों के आने वाला है। धन्यवाद।